हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं हरीश जंक्शन। सब्सक्राइब कीजिएगा हरीश जंक्शन चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप सभी को सभी नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। आज हम बात करेंगे कि बेल इंट्रो कैसे बनाते हैं, मतलब जो कि किसी भी अच्छे यूट्यूबर के वीडियो के सामने जो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, इस प्रकार का जो बेल इंट्रो बनाया जाता है, सब्सक्रिप्शन इंट्रो बनाया जाता है, वो कैसे बनाते हैं आज हम देखेंगे। और ये भी बेल इंट्रो हम बनाएंगे काइन मास्टर सॉफ्टवेयर से। हर कोई यूट्यूबर जो है वो काइन मास्टर सॉफ्टवेयर यूज करता है और काइन मास्टर से बहुत ही ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से हमें जो बेल आइकन वाला इंट्रो है वो किस प्रकार से बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, जो हमारे चैनल का होम पेज है, यानी कि जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है हरीश जंक्शन मेरे चैनल का होम स्क्रीन है। इसका सब्सक्राइब करने से पहले एक स्क्रीनशॉट लेना है हमें। इसका एक मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, यहाँ से ये ले लिया स्क्रीनशॉट, ये वाला एक ले लिया। इसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद एक स्क्रीनशॉट लेना है। ये मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी से लॉगिन हुआ है तो ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, वरना खुद के इस पे सब्सक्रिप्शन का नहीं आएगा। आप दूसरे ईमेल आईडी से या दोस्तों के फ़ोन से कर सकते हो। तो ये मैंने सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का भी बेल आ गया, लेकिन उसको अभी हमने टच नहीं किया है। तो इसके बाद वाला एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसके बाद वाला एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं, ये ले लिया दूसरा स्क्रीनशॉट। और तीसरा स्क्रीनशॉट हमें लेना है बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद, यानी कि बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद उसके बाजू में जो दो छोटा छोटा लाइन आए हैं जो कि वाइब्रेट होते हुए नज़र आता है, वो उसको भी हमें एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये तीन स्क्रीनशॉट हमने ले लिए। तीन स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक वीडियो हमें लेना है। उस वीडियो का नाम है बेल इंट्रो फिंगर ग्रीन इफेक्ट, बेल इंट्रो फिंगर ग्रीन इफेक्ट, इस प्रकार से। तो बहुत सारे आ जाएंगे। और इधर क्रिएटिव कॉमन का फिल्टर लगा दीजिएगा, ताकि आप पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़े, क्योंकि क्रिएटिव कॉमन में बहुत सारे आ जाएंगे। तो इसमें से कोई भी एक चूज कर लो जो आपको पसंद है। तो मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए अभी हम जाएंगे काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो ये रहा काइन मास्टर एप्लीकेशन, ये काइन मास्टर मैंने खोल लिया। काइन मास्टर एप्लीकेशन खोलने के बाद इधर हम करेंगे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट। एम्प्टी प्रोजेक्ट मैं अभी खोल लिया हूँ। तो ये एम्प्टी प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमें चूज़ करना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कहाँ से चूज़ करना है, तो ये मेडे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपको वाइट जो हुआ है अभी, मैंने उस पर प्रेस करके रखा है, तो इस पर क्लिक करना है। और इसमें ये पहला फोल्डर लेफ्ट साइड में, पहला फोल्डर मेरे तस्वीर कैमरा के ऊपर लेफ्ट साइड में पहला फोल्डर बैकग्राउंड, इसको क्लिक करके कोई भी एक बैकग्राउंड लेना है। अभी ये मुझे ये वाला येलो वाला बैकग्राउंड लेना है, तो मैंने ये ले लिया। ओके कर देना है इसको, येलो वाले बैकग्राउंड को इसको कितना चाहिए ड्यूरेशन उतना बढ़ा लेना है अपने हिसाब से। तो मैंने इसको 20 के करीब करीब 20 सेकंड के करीब कर लिया और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमें क्या चीज़ करनी है, अभी मीडिया में नहीं जाना है, हमें जाना है लेयर पे क्लिक करना है। लेयर में से एक मीडिया ऑप्शन खुलेगा, इस मीडिया में से जो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिए थे वो वाले स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहला स्क्रीनशॉट लेना है हमें सब्सक्राइब करने से पहले का, यानी कि जो हमारे चैनल का होम है वो वाला लेना है। ओके कर देना है। फिर उससे आगे ये छः सेकंड तक रहेगा, उससे आगे फिर से क्लिक करना है स्क्रीनशॉट, और वो जो सब्सक्राइब होने के बाद वाला स्क्रीनशॉट जोड़ देना है, सब्सक्राइब होने के बाद वाला। फिर सब्सक्राइब होने के बाद के स्क्रीनशॉट के बाद बेल आइकन वाला स्क्रीनशॉट जोड़ना है हमें, बेल आइकन वाला। तो ये मैंने फिर से खोल लिया और ये बेल आइकन का, ऐसे तीन स्क्रीनशॉट मैंने जोड़ लिए हैं। ठीक है, ये तीन स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो अभी। अगर ये वीडियो प्ले होगा तो इस प्रकार से पहले ये सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब के बाद में ये सब्सक्राइब्ड हो गया और इसके बाद बेल आइकन आ जाएगा। तो अभी क्या करना है हमें, अभी इस पे हमें एक फ्रेम लेनी है। गूगल पे आप सर्च कीजिएगा एंड्रॉयड फ़ोन PNG, यानी कि कौन से भी मोबाइल का जो फ्रेम रहता है ट्रांसपेरेंट फ्रेम आ जाएगा, एंड्रॉयड फ़ोन PNG वो कीजिएगा। वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, वो भी हमें लेयर से ही निकालना है। मीडिया में जाएंगे, मीडिया में मैंने उसे सेव कर रखा है मेरे ब्लूटूथ ऑप्शन में, ये देखिए पहले ही दिख रहा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसको क्या करना है हमारे हिसाब से, मतलब जितने हमारे स्क्रीनशॉट है उसके हिसाब से हमें सेट कर लेना है। ये हो गया अप टू डेट, एकदम स्क्रीनशॉट हो गया। और इसे क्या करना है, अंत तक वीडियो से स्टार्ट से अंत तक, यानी कि वो मोबाइल दिखते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया PNG, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन का ये लोग एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, जैसे कि जिस प्रकार से दिख रहा है आपको। अभी इसके आगे वाला स्टेप हमें क्या करना है,
जो वो हमने डाउनलोड कर रखा था लेयर में से ही लेना है, लेयर में से ही लेना है, मीडिया में जो वीडियो हमने डाउनलोड कर रखा है फिंगर वाला, ये वीडियो में दिख रहा है मेरा, ये मैंने ले लिया। और इसको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद हमें वो जो हैंड दिख रहा है वो हैंड को पहले ओके कर दो, फिर हैंड को जैसे हैंड दिखेगा वहाँ पे कर्सर ले लो, ये वाला स्टार्टिंग वाला जो सब्सक्रिप्शन का हैंड है, फिर लेयर पे उस पर अगर क्लिक करेंगे, ये ग्रीन इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो क्रोमा की नामक आपको एप्लीकेशन ये ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल करना है और इसका क्रोमा की हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ताकि वो ग्रीन स्क्रीन जो है वो हट जाए और हमें ये वाला दिखाई पड़े, मतलब हमारा जो हाथ है वो ठीक से दिखाई पड़े। तो ये थोड़ी सी एक यहाँ पे ये रह रही है, इसलिए मैं इसे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी फेल हो रही है। हाँ ये हो गया, तो इसको मैंने और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ये ऊपर वाला लगता हूँ 29 के आसपास, और इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि हाँ साइड में जो लाइन आ रही है ना वो लाइन हटाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, हट गई है लाइन। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम सही समय पे, मतलब वो फिंगर जो है वो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर दिखनी चाहिए, तो अभी हमें इसका टाइम मैच कर लेना है। तो ये ओके हो गया, अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, देखता हूँ कि ये बटन कब दब रहा है और सब्सक्राइब का ये कब खुल रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको ज़्यादा देर ऐसा क्लिक करके रखना है और इसको आगे मूव कर लेना है यहाँ तक, तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ये हो गया, लगभग तो हो गया है, थोड़ा हम इसको पीछे ले देते हैं ताकि ये प्रॉपर हो जाए उसी के जगह पे, मतलब जहाँ होना चाहिए उसी जगह पे हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे लेना है बस हमको। ये फिर से एक बार प्ले करके देखता हूँ मैं, ये आप एडजस्टमेंट आपके हिसाब से कर लीजिएगा प्रॉपर। ये हो गया सब्सक्राइब का बटन, और अभी अभी बेल आइकन को अभी दबाना है, तो बेल आइकन का बटन जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे ये बेल आइकन का जो स्क्रीनशॉट है उसको आप उठा के पीछे ले आइएगा, बस इतना ही करना है आपको। उंगली एडजस्ट कर ली ठीक से और ये हो गया सब्सक्राइब, और अभी बेल आइकॉन को भी आएगा, ये हो गया बेल। थोड़ा सा आज इस प्रकार से क्यों जा रहा है मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा तो मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर लिया है, ओके ये फ्रेम मैंने अभी सेट कर दी है ठीक से। आपका आपको किसी का भी रिजोल्यूशन चेंज नहीं करना है वैसे, वरना ये इस प्रकार का प्रॉब्लम आएगा आपको। तो सब्सक्राइब और ये बेल आइकन जो दब गया सही है, चलो मतलब अभी ठीक से दिख रहा है, ये हुआ सब्सक्राइब और ये हुआ बेल आइकन प्रेस। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट में घुमाएंगे क्योंकि वो बेल आइकन पे जो है वो बेल आइकन पे नहीं, थोड़ा सा राइट साइड में क्लिक हो रहा है, तो इसको ऐसा पकड़ के हमें सीधा बेल आइकन पे रख देना है क्योंकि सब्सक्राइब का बटन लंबा होता है ना हॉरिजॉन्टली। तो ये हो गया सब्सक्राइब का, अभी देखिएगा ये हो गया सब्सक्राइब और ये हो गया बेल आइकन प्रेस।